नमस्कार दोस्तों, रुपेश बंसल आरबीलाई मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूँ। अपडेट फिरोजपुर से आ रही है। यहाँ पर सारागढ़ी गुरुद्वारा साहिब से शुरू हुई जागरूकता रैली हुसैनीवाला तक जाएगी। शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव मेमोरियल सोसाइटी द्वारा जागरूकता रैली निकालकर आज शहीद आजम भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही है। फिरोजपुर का यह दृश्य है। फिरोजपुर के सारागढ़ी गुरुद्वारा से यह रैली शुरू हुई है जो कि हुसैनीवाला तक पहुँचेगी। फिरोजपुर के शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव मेमोरियल सोसाइटी द्वारा यह जागरूकता रैली निकाली जा रही है। देखिए प्रकार से यहाँ पर मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया है। शहीद भगत सिंह राजगुरु व सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए यह रैली यहाँ से निकाली जा रही है जो कि सारागढ़ी गुरुद्वारा से शुरू हो चुकी है। हुसैनीवाला तक यह रैली जाएगी। फिरोजपुर से हमारे प्रतिनिधि सुखचैन सिंह द्वारा यह तस्वीरें हमें भेजी जा रही हैं। शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव मेमोरियल सोसाइटी द्वारा जागरूकता रैली निकाली जा रही है। फिरोजपुर का यह दृश्य है जहां से आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। सिंह का दिहाड़ा आ गया जी। नौजवान जागरूकता रैली कढ़ रहे हैं, पोषण अभियान होर जिहड़े साढ़े समाज करीतियां उहदे खिलाफ, ते तुसीं उहनूं कीवें देख रहे हो? शहीद आजम भगत सिंह का दिहाड़ा कल है, सुखदेव जी का दिहाड़ा कल है, राजगुरु जी का दिहाड़ा कल। इस तो वड्डा दिवस तो हो ही नहीं सकता जो उन्होंने साडे देश लई कुर्बानी कीती है। सानू मतलब उन्होंने इस दिहाड़े नूं बड़े अच्छे ढंग नाल मनाना चाहिए। इस करके असीं यह रैली कढ़ रहे हैं ताकि लोगों नूं जागृत करिए, उन्हां दी सोच ते पहरा देन, ड्रग्स नूं छड्डन और पढ़ाई वल ज़्यादा ध्यान देन। बार्डर से पूरे इंतजाम है। 23 मार्च ना शहीद आजम भगत सिंह और राजगुरु जी और सुखदेव जी का दिवस है, और इंतजाम सारे सुरक्षा वालों और एडमिनिस्ट्रेशन वालों पूरी तरह मुकम्मल ने। एक बोर्ड जी उत्ते ना जी छोटा छोटा लिखा होता शहीद भगत सिंह, लोग जो बच्चे या कोई आते उन्होंने पता नहीं लगता, वो कहते वे बैनर लगने चाहिए ने बोर्ड के उत्ते देख लेने, वो भी लगवा देते हैं जी। ठीक है। पोषण अभियान तहत पोषण पखवाड़ा 8 मार्च तो 22 मार्च तक मनाया जाना सीगा। ये पूरे पंजाब दे विच लागू से, और असी जिले फिरोजपुर दे विच भी वक्रे वक्रे पिंडां दे विच इस दौरान वक्रियां वक्रियां गतिविधियां कीतियां है। अज शहीद भगत सिंह जी दे शहीदी दिहाड़े ते असी घर घर यही मैसेज पहुँचाना चाहते हैं भी सही पोषण और देश रोशन, और इस दे नाल असी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी संदेश अगे पहुँचाना चाहते हैं। हुसैनीवाला बॉर्डर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव सोसायटी ने बीड़ा चुकया। मैनू उम्मीद रखदा मैं इसे इन्ह नौजवानों तो कि यह अज लाइन पर चलणगे, तो नाल ही जिहड़ा नशे का है इनू नशे को खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि साडा हिंदुस्तान फिर मुड़ के पंजाब जिहड़ा जवान इन्हें उठ खड़ सकन। मैनू यही उम्मीद रखता हुआ मैं अज इत्थे शामिल हुआ। आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव पुराने आजादी लिए शहादतों के जाम पीते, उन्हों की सोच और प्रसार लिए शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव मेमोरियल सोसायटी हर साल देशभगती समागम करवाती आ रही है, जिस विच नाटक सैमीनार खेडा करवाइया जाए, रैलियां कढ़िया जाता जो साढ़े समाज में जागरूकता पैदा होवे, मुड़ तो वह फिर नरोआ समाज सिरजे जाए जो साढ़े शहीदों ने सुपने सिरजे से। अज नशे बेरोजगारी
ਆਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।